अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आयाज। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे काम बताऊंगा जो लेडीज आराम से कर सकती हैं, और ये ऐसे काम है जो बेसिकली घर में बैठ के आराम से किए जा सकते हैं और इन काम को करके काफ़ी अच्छी अर्निंग की जा सकती है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर लेडीज़ करती हैं तो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। ये ऐसे काम होंगे कि जेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखें, आप सबको पता है कि आजकल जो है यूट्यूब से काफ़ी अच्छी अर्निंग की जा रही है। आप अगर लेडीज़ भी काम करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो वो सोचते हैं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और किस तरीके से हम अर्निंग करेंगे और किस तरीके से पैसे वगैरह आएंगे। तो मैं कुछ इसमें इस वीडियो में कुछ आइडियाज़ ऐसे दूंगा कि आप भी जो है करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो जो काम है वो देखें, अगर आप YouTube पे काम करना चाह रही हैं तो यहाँ पे आप सर्च करें नेल आर्ट, या आप खुद से भी सर्च कर सकती हैं। यहाँ पे देखें नेल आर्ट करके काफ़ी अच्छी अर्निंग की जा रही है। ये देखिए, इस टाइप की डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखिए, अब ये ऐसे काम है कि बेसिकली लेडीज़ वगैरह जो है नेल पॉलिश वगैरह कर भी रही होती है घर में, उसको बेसिकली करना है और करने के बाद उसकी वीडियोज़ बनानी है। और ये देखिए, आर्टिफिशियल नेल को यूज़ किया गया है, इससे आपके नाखून वगैरह भी जो है ख़राब नहीं होंगे। आप इस टाइप का भी काम करके वीडियोस बना के अपलोड कर सकती हैं। ये देखिए, और इनकी जो वीडियोस पे व्यूज़ हैं, 1 मिलियन के करीब व्यूज़ आए हैं। ये मैंने पहले ही इसको वॉच करके रखी हुई है, तमाम चीज़ें देखी हुई हैं मैंने। तो 1 वीडियो के ऊपर जो है 1 मिलियन व्यूज़, इसके अलावा 78,000 व्यूज़ इस टाइप की आई हुई है, 5-6 मिनट की वीडियोज़ के ऊपर। तो ये इतना आसान काम है, मतलब जिन लोगों को इसकी एक्सपर्टीज है वो इसकी वीडियोज़ बनाएँ और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के अपलोड करें, तो जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ से हासिल की जा सकती है। ओके, तो ये तो पहला टॉपिक है। सेकंड जो है लेडीज़ के लिए वो है कुकिंग। अब कुकिंग जो है जेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ करती हैं। और लेडीज़ जो है, अब सिंपल ये देखें, ये ऐसे ही चीज़ें जो बेसिकली डेली बेसिस पे की जा रही होती है कुकिंग में। तो लेडीज़ को क्या करना है, आप जब कुकिंग कर रही होंगी उसी दौरान जो है वीडियोज़ वगैरह बनानी है। बस कोशिश ही करनी है वीडियोज़ अच्छी बनानी है, मोबाइल को लैंडस्केप करके बनाना है और ऐसी मतलब उस साइड पर बनानी जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी हो, ये लाजमी चीज़ें हैं। और काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखें, ये अंडा फ्राई करना बता रहे हैं इस वीडियो में। देखें तकरीबन जो है ये बेसिकली डिश है, एक फ्राइड राइस डिश है। इसमें देखें 23 मिलियन व्यूज़ हैं, मतलब 23 मिलियन व्यूज़ हैं एक एक वीडियो पर, 6 मिनट की वीडियो है ये। और इसी तरह देखें 3.1 मिलियन व्यूज़ हैं। तो इस टाइप की वीडियोस बनानी है कुकिंग की, और कुकिंग की वीडियोस बना के भी लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये सेकंड टॉपिक है जो मतलब लेडीज़ कर सकती है आराम से। अब थर्ड क्या है हमारे पास, वो है हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल ये देखिए, इसकी भी बहुत डिमांड है, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोज़ बनी हुई है लेडीज़ हेयर स्टाइल। ये देखिए, अब करना ही है कि इसमें फेस तो आपको दिखाना नहीं है, अगर आप फेस दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकती हैं, बट अगर नहीं दिखाना चाहती तो आप यहाँ से जो है मार्केट्स वगैरह से जो है डॉल खरीद सकती हैं, और डॉल के जो हेयर स्टाइल वगैरह जो होते हैं उस पर आप हेयर स्टाइल वगैरह बना के और उसकी वीडियोस बना के इसके ऊपर अपलोड कर सकती हैं। ये बेसिकली डॉल पे ये बनाया जा रही है, देखें तो मार्केट में इस टाइप की जो है डॉल्स वगैरह मिल जाएंगे जिनके अच्छे बाल हों, आप मतलब ले सकती हैं वो और उसके ऊपर वर्किंग करके इसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह बना के अपलोड कर सकती हैं। इसके भी जो तकरीबन इसकी भी बहुत डिमांड है, देखिए 16 मिलियन व्यूज़। ओके, तो आप भी इस टाइप की बना सकती हैं। ओके, अब 4 नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिकली बेबी फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। अब इसमें करना ये है कि अगर आप जो है कोई बेबी वगैरह की जो है फ्रॉक कटिंग वगैरह करती हैं, स्टिचिंग वगैरह करती हैं, तो आप उसकी वीडियोस वगैरह बना सकती हैं और उसकी वीडियोस वगैरह बना के इसके ऊपर अपलोड की कर सकती हैं, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी मतलब फ्राकें बनाई गई हैं और इसको स्टिचिंग किया गया है, तो आप स्टिचिंग के दौरान जो बाकायदा वीडियोस वगैरह बना सकती हैं और बना के इसके ऊपर अपलोड कर सकती हैं। ये बेसिकली मैं आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि जो है आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है गिफ्ट पेपर कटिंग। अब देखिए, अगर आपको शौक है गिफ्ट पेपर वगैरह कटिंग का, या स्कूल्स वगैरह में आपने देखा है कि बच्चों से जो है गिफ्ट पेपर कटिंग वगैरह के डिज़ाइन बनवाए जाते हैं, तो ये देखिए आप अगर इस टाइप की कोई चीज़ें बनवाती हैं या बनाने का शौक है आपको, तो आप उसको बनाएं और बनाने के बाद इसको रिकॉर्ड करें। ये देखिए 16 मिलियन, 5 मिनट की वीडियो है, 16 मिलियन इसके व्यूज़ हैं। तो मतलब ये खुद भी आप देखें कि लोग किस तरीके से और क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम चीज़ें जो है गिफ्ट पेपर कटिंग से की गई हैं। ओके,
उसके बाद जो है हमारे पास वो है बेसिकली यहाँ पे, ये देखिए फाइव, ये है रूम डेकोरेशन विद पेपर। अब जिन लोगों को शौक है कि बच्चों के रूम वगैरह को जो है डेकोरेट किया जा रहा होता है घर में, तो ये देखिए इस तरह अगर कोई आप रूम को डेकोरेट वगैरह कर रही होती हैं तो आप क्या करें, उसको भी रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद उसको भी जो है यूट्यूब पे अपलोड करें और अर्निंग करें। ये देखिए 1 मिलियन व्यूज़ और 10-10 मिनट की वीडियो है, 5-5 मिनट की वीडियोस हैं और काफ़ी ज़्यादा मिलियन में इनके व्यूज़ हैं। ये देखिए 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं और ये देखिए 3 मिनट की वीडियो है ये, तो आप लोग भी करें इसको और अर्निंग करें यहाँ से। ये देखें ओके, उसके बाद दो एक और टॉपिक है, मैं उसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अब ये एक और टॉपिक है वो है बेसिकली कौन सा, ये स्टिचिंग। अब स्टिचिंग देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि बेबी फ्रॉक स्टिचिंग और सेकंड ये है स्टिचिंग। अब स्टिचिंग अगर आप करती हैं तो आप उसकी भी वीडियोस बनाओ, सिंपल इसमें काम है, आप शलवार कमीज की कटिंग कर रही हैं, जो भी कटिंग वगैरह कर रही हैं तो उसकी स्टिचिंग की वीडियोज़ वगैरह बनाएं, वीडियोज़ वगैरह बना के इसके ऊपर जो है अपलोड कीजिए। और इसमें काफ़ी छोटे छोटे काम भी किए जा रहे होते हैं, इसमें बटन को जो है लगाना बता रहे होते हैं, उस वीडियोस के भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ है। ये देखें 11 मिलियन व्यूज़ हैं, तो आप जो है बेसिकली इस तरह भी वीडियोस बना सकती हैं और इस तरह की वीडियोस वगैरह बना के इस पे जो है अपलोड कीजिए। ये देखिए ओके, तो इसकी भी बहुत डिमांड है और ये ऐसे काम है जो बेसिकली डेली बेसिस पे किए जा रहे होते हैं घर में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेसिकली ब्यूटी टिप्स। अब ब्यूटी टिप्स आपको पता है और हर लेडीज़ घर में यूज़ भी कर रही होती हैं, ये बेसिकली अपने फेस वगैरह पे यूज़ कर रही होती हैं, तो आप भी क्या करें, आप बाकायदा इसको भी रिकॉर्ड कीजिए और इसमें अगर कोई आपके पास नॉलेज है ब्यूटी से रिलेटेड तो वो भी आप जो है बेसिकली इसकी वीडियोस वगैरह बना के यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। आप अगर फेस दिखाना नहीं चाहती तो कोई इशू नहीं है, आप बेसिकली जो है इसकी टिप्स वगैरह भी बना के बता सकते हैं या फिर लिख के भी बता सकते हैं, कुछ करके भी दिखा सकते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह बना के दिखा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, यहाँ से आप कोई भी आपके पास जिसका भी इंटरेस्ट है आपको उस फील्ड से रिलेटेड आप वीडियोस देखें यूट्यूब पे और फिर उसी फील्ड से रिलेटेड आप बनाती जाएं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। अगर सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे काम किए जाएं, तकरीबन 2 से 3 वीडियोस अगर डेली बेसिस पे अपलोड किए जाएं तो रिस्पांस बहुत जल्दी आ जाता है ओके। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसके भी व्यूज़ जो है तकरीबन 4.5 लाख, तो ये देखें 4 लाख के करीब हैं। इसके अलावा 93,000 हैं, तो बहुत, ये देखें 8.8 मिलियन व्यूज़ हैं और ये बेसिकली जो है इसमें 15 ब्यूटी हैक्स बता रही हैं ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है बेसिकली यहाँ पे यूडेमी। अब यूडेमी क्या है, ये एक वेबसाइट है और इसके ऊपर जो है बेसिकली कोर्सेज बना के अपलोड किए जाते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग की जाती है। यहाँ पे लोग बेसिकली जो भी कोर्स वगैरह परचेस करने आते हैं यहाँ से पेड परचेस करने आते हैं, पेमेंट देके परचेस करते हैं। तो ये जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, नेल आर्ट हो गए, कुकिंग हो गए, हेयर स्टाइल हो गए, इन तमाम के यहाँ पे वीडियोस भी मौजूद हैं। आप बेसिकली अगर यहाँ पे सर्च भी करती हैं आपको मिल भी जाएंगी और अगर आप चाहें कोई कोर्स बना के सेल आउट करना तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक सिंपल कुकिंग, अब मैंने यहाँ पे सर्च किया कुकिंग, तो कुकिंग से रिलेटेड देखें यहाँ पे कितनी सारी वीडियोस बनी हुई हैं और ये बेसिकली कोर्सेज जो हैं सेल किए जा रहे हैं। ये देखिए अब इन कोर्सेज के प्राइस क्या हैं, ये देखिए $10.99 हो गए, इसके अलावा देखिए $12.99। अब मैं कोई आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए इस पर आपने सिंपल क्लिक किया और ये देखिए इनके जो बेसिकली लेक्चर्स हैं तकरीबन जो हैं इन्होंने जो अपलोड किए हुए हैं। अच्छा, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 4,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इनके और $12.99 ये चार्ज कर रहे हैं ओके। ये कोर्स बेसिकली है, कोर्स यहाँ से लोग देखते हैं और उसके आगे जो है एक अच्छी अमाउंट दे रहे होते हैं। आप खुद सोचेंगे $12 जो है तकरीबन $13 इनके जो प्राइस है और 4,000 से ज़्यादा इनके स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसको खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आप डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिगर पता चल जाएगी कहाँ पे जा रही है। ये लाखों में कमा रहे हैं यहाँ से और इनके पास स्टूडेंट्स देखें आप, इनकी रेटिंग देखें आप, तो इस टाइप की भी बाकायदा आप जो है कोर्सेज वगैरह जो बना के इसके ऊपर जो है सेल आउट कर सकती हैं। ये देखिए
अब ये जो भी आपके पास जो भी स्किल्स है और जो भी मतलब आर्ट है, ये देखिए मैं अगर लिखता हूँ नेल आर्ट, तो नेल आर्ट से बिलोंग भी ये देखिए कोर्सेज बनाए हुए, देखिए 18 लेक्चर्स इन्होंने अपलोड किए हुए हैं, इसी तरह इन्होंने 11 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो ये मतलब कर सकती हैं आप भी। देखिए अब ये यूडेमी पे काम किस तरीके से करना है या यूट्यूब पे काम किस तरीके से करना है, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, आप उसे देखें सीखें वहाँ से, उसके बाद जो है वीडियोस वगैरह बनाना सीखें। जो भी चीज़ सीखनी है यूट्यूब से आप सिंपल वहाँ पे लिखें हाउ टू यूज़, हाउ टू रन, जो भी आप मतलब करेंगे हाउ टू मेक करके करें तो तमाम चीज़ें आती रहेंगी। ओके, तो यूडेमी भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो है कोर्सेज वगैरह अपलोड करके काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिकली फाइवर। अब फाइवर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये फ्रीलांसर वेबसाइट है और इसके ऊपर काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं इसके लिए, लेकिन आपके पास थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए अगर इस पर काम करना है। अगर आपके पास ग्राफिक्स की स्किल है तो आप इसके ऊपर लोगो डिज़ाइन कर सकती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है तो आप इसके ऊपर SEO वगैरह काम कर सकती हैं, या अगर आर्टिकल वगैरह लिखने आते हैं तो वो काम कर सकती हैं, वीडियो एनिमेशन बना सकती हैं, बिजनेस कार्ड वगैरह बना सकती हैं, डेटा एंट्री का काम कर सकती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप आराम से कर सकती हैं, थोड़ी सी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास जो है। इसके बाद आप इस पर अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाने के बाद इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फाइवर के हवाले से भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना के अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप वो भी देख सकती हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया इस पर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, इसके ऊपर गिग किस तरीके से बना के अपलोड करते हैं, इसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो किस तरह बनाते हैं, तो तमाम चीज़ें आप वहाँ से भी सीख सकते हैं अगर आप इस पर काम करना चाहती हैं। और यहाँ से भी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपकी गिग अगर एक दफ़ा रैंक हो जाती है तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितनी ज़्यादा अर्निंग यहाँ से कर सकती हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। अब लास्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली है ऑनलाइन कुरान। अब जो लेडीज़ चाहती हैं कि ऑनलाइन कुरान की तालीम देना या कुरान पढ़ाना चाहती हैं, तो वो जो है बेसिकली ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, बस थोड़ी सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। इसमें ये करना है कि आपको जो है कुछ वेबसाइट बनवानी है। ये देखिए एक वेबसाइट है यहाँ पे, ये मैंने खोली हुई है और इस वेबसाइट पे बेसिकली जो है यहाँ पे जो है कुरान जो है सिखाया जाता है। तो ये बेसिकली ये देखें पिक्चर भी लगाई हुई है, ऑनलाइन कुरान की तालीम दी जाती है। अभी किन कंट्रीज़ में दी जाती है, बेसिकली जो बाहर के कंट्रीज़ हैं जैसे UK, USA हो गए, इसी तरह के जो बाहर के कंट्रीज़ वगैरह होते हैं उसमें ये जो है कुरान पाक की तालीम दी जाती है। तो आप भी इस टाइप की जो है अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप अपनी जो है वेबसाइट बना लें, अगर नहीं आती है प्रोग्रामिंग तो आप क्या करें आप बेसिकली वेबसाइट बनवाएं और आप ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाएं। अब यहाँ पे देखें फीसिस वगैरह लिखी हुई है, देखें 3 डेज पैकेज यहाँ पे लिखा हुआ, ड्यूरेशन 30 मिनट्स, और यहाँ पे देखें $40 ये चार्ज करते हैं मंथली, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे $50 चार्ज कर रहे हैं, और ये देखें कहाँ कहाँ पे, ये देखें मैथ फी फॉर USA में, ये देखें UK में, यूरोप में, तो बाहर ममालिक में बहुत डिमांड होती है, वहाँ पे जो भी मुस्लिम वगैरह होते हैं वो कुरान पाक वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई नहीं मिलता तो वो बेसिकली वेबसाइट वगैरह को फाइंड कर रहे होते हैं। तो आपकी अगर कोई इस टाइप की वेबसाइट्स होगी तो आप भी कुरान पाक पढ़ाएं और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। तो मैंने आज की वीडियो में यही 10 टॉपिक बताए कि आप किस तरीके से यूट्यूब पर किस तरीके से काम कर सकती हैं, इसके अलावा यूडेमी पे किस तरीके से काम कर सकती हैं, फाइवर पे किस तरीके से काम कर सकती हैं, और अगर ऑनलाइन कुरान पाक वगैरह पढ़ाना चाहे तो वो किस तरीके से पढ़ा सकती हैं। तो जो लोग भी काम करना चाहते हैं वो इस पर वर्किंग कीजिए, और वर्किंग करने के बाद अपने चैनल बनाए या फाइवर पर अपना अकाउंट बनाए या यूडेमी पर अपना अकाउंट बनाए और काम स्टार्ट करें और काफ़ी अच्छी अर्निंग करें। तमाम चीज़ें आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी, आप तमाम चीज़ें सीख सकती हैं, और अगर कोई पेड चीज़ें खरीदनी हो तो कोर्सेज भी लोग बना के सेल आउट कर रहे होते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी ज्वाइन करके कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही चीज़ें बताई हैं, आई होप आप लोग मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।